और नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूँ राम कुमार मिश्रा, स्वागत करता हूँ आप सभी का अनअकैडमी शिक्षा पर। कैसे हैं सभी लोग, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ। एक बार आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ, यस या नो। यस, आकांक्षा सिंह, अपना टाइम आएगा, पापा की शेरनी, उषा राजपूत एंड रावल ज्योति, बेटा ग्लास लाओ एक, है ना। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। बताइए क्या हाल चाल है। कैसे हैं सब लोग। प्रतिभा, रितु, पवन कुमार, रितु रानी नमस्ते, पवन कुमार, योगेंद्र राही, नंदिनी मिश्रा, रजनी यादव, पूजा, सभी लोग एक बार मैसेज करके बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। नमस्ते पवन, खुश रहिए। टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ की डेट आ गई, ऐसे एक दिन आप भी उठेंगे और आपको पता चलेगा एग्ज़ाम की डेट आ गई, आपको लगेगा दुनिया बदल गई, ऐसे ही होता है। समझे कि नहीं समझे। अब हमारे नेट वालों को मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता था जुलाई में क्लास है, जुलाई में एग्ज़ाम है, जुलाई में एग्ज़ाम है ना। आ गई डेट जुलाई में। प्रतिभा वर्मा, रुचि मौर्य, सौम्या मिश्रा, पूजा सिंह खुश हैं एकदम। आज कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, बताओ क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो। आज एक टॉपिक बताओ आप, और आज आपको टॉपिक पढ़ाने का मन कर रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ऐसा मन किया कुछ पढ़ाया जाए, यानी प्रैक्टिस सेट ना करा के कंटेंट की क्लास की जाए। अब बताओ आप संधि करेंगे या समास करेंगे या कारक करेंगे या वाच्य करेंगे या क्रिया करेंगे या क्रिया, आप टाइप करिए, मैं देख लूँगा। एक टाइप करना है यदि संधि, है ना, दो मतलब समास, तीन मतलब कारक, चार मतलब वाच्य, पांच मतलब क्रिया। ऐसा कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं बताइए, इनमें से वही टॉपिक पूरा करा दूँ कंप्लीट। नमस्ते रितु, छंद में मेहनत करनी पड़ेगी रितु, छंद ऐसे नहीं हो सकता, छंद प्लानिंग के साथ, छंद प्लानिंग के साथ का मतलब छंद को लिखना पड़ेगा, मतलब बिना पीडीएफ कराना है ना, और छंद बिना पीडीएफ हो नहीं सकता, छंद बिना पीडीएफ नहीं हो सकता, छंद बिना पीडीएफ नहीं हो सकता। चार पाँच कारक और वाच्य, ये भी सही है, कारक और वाच्य ये भी सही आंसर है ना। छंद में बहुत अच्छे से काम करके तब पढ़ाना पड़ेगा, वो बिना पीडीएफ, ये बिना पीडीएफ पढ़ाऊंगा कंटेंट मस्त एकदम। कारक और वाच्य, नमस्ते विभा, अनु शुक्ला, छंद बहुत डिटेल्स में करा दूंगा। नमस्ते मीनू सिंह, नमस्ते चेतन बाबू, करिश्मा, बताओ तनु मिश्रा क्या करना चाह रहे हो, योगेन्द्र तीन चार, उषा राजपूत, तारा कुमारी, समास और कारक, बताओ रितु। प्रणाम, नमस्ते प्राची गौर, हाँ डेली क्लास होगी, नहीं 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 आज और कल, आज और कल, आज और कल वाच्य करा दूँ, तीन और चार, तीन और चार, पूजा चार कह रही हैं, क्रिया समास और संधि। चलिए कारक और वाच्य शुरू करता हूँ, कारक और वाच्य से आपका जो टॉपिक होने जा रहा है वो दो टॉपिक आपका एक साथ हो जाएगा, एक हो जाएगा कारक और एक हो जाएगा वाच्य। अगर दो नहीं होगा तो एक तो कंप्लीट हो जाएगा, जो टॉपिक करेंगे उसे कंप्लीट करा देंगे, जो टॉपिक पढ़ना है उसे कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ एक बार लेकिन आप लोग शेयर कर दीजिए कंटेंट की क्लासेस, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे कंप्लीट पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना। तो पहले कारक ना, पहले तो आप कारक पढ़ना चाह रहे हो जी, कारक और वाच्य, कारक और वाच्य, यही ना।
चलें। चलिए सबसे पहले कारक पढ़ाऊंगा, कारक पूरा होने के बाद आपको वाच्य पढ़ाऊंगा। उसके पहले आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है रात 9 बजे से, आज से रात 9 बजे से, आज रात 9 बजे से, कितने बजे से, आज रात 9 बजे से आपकी लगातार क्लास चलेगी ऐप पर। कब चलेगी क्लास? ऐप पर चलेगी। और ये क्लास में आपका टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू होगा। क्या होगा? पीवाईक्यू होगा। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बाकी कल टेस्ट होगा, बाकी कल कंप्लीट टेस्ट होगा, कल भी 8 से 10 मैराथन है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कारक पे। अब मैं किस पे स्टार्ट करता हूँ? कारक पे। हाँ, उसके पहले एक बार देख लीजिए, ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, ऊपर लिंक दिया गया है, फॉलो राम कुमार मिश्रा ऑन अनअकैडमी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक पर जाके। और आगे बढ़ेंगे, टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट बैच है जो 16 मई से चल रहा है शाम 5 बजे से। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग राही 92 कोड अप्लाई करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आपका शाम 5 बजे चलेगा, इसमें केवल कंटेंट ही होगा, प्रैक्टिस आपको अलग कराऊंगा। अगर कोई सीटेट का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके लिए 20% ऑफ है। ज़्यादातर क्लासेज आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। तो 12 मंथ की फीस पे 360 रुपये, 240 यानी 960 6 महीने और 1442 में 12 महीने का आपकी फ़ीस है ना। और कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, रेफरल कोड आपका राही 92 लगेगा यहाँ पे, है ना। इसे अप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 10 बजे तक पढ़ाऊँगा, 2 घंटे क्लासेस, शानदार क्लास होगी। आइए यात्रा शुरू करते हैं अपनी कारक पे, श्री गणेशाय करते हैं और टॉपिक होगा कारक। एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए क्लास को, अगर आपका मन करे तो एक बार शेयर भी कर दीजिए क्लास को, मैं है ना। चलें, मेरी बेटी बात करना चाहती है 4 इयर्स की। अच्छा, अब इसमें तो अभी बात नहीं कर सकता ना, कभी फ़ोन पे करा देना। आइए कारक, सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी परिभाषा। आप मुझे इसको केस भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, कारक को क्या कहते हैं, केस भी कहते हैं, कर दियो लाइक, है ना। कारक को क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में केस भी कहते हैं, एक जो केस आप एक दूसरे के ऊपर कर देते हो ना, केस कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी इसके प्रकार पढ़ेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो कारक की परिभाषा क्या होती है, आप मुझे बताइए कारक की परिभाषा क्या होती है, बताओ। संज्ञा आप जानते हैं, आप कहेंगे जी हाँ मैं संज्ञा जानती हूँ, आप संज्ञा जानते हैं कहेंगे हाँ, आप सर्वनाम जानते हैं कहेंगे हाँ, है ना। तो संज्ञा सर्वनाम आप जानते ही हैं, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए, परिभाषा से ही सिद्ध कर दूंगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका संबंध वाक्य में, उसका संबंध किससे, वाक्य में, उसका संबंध वाक्य में किसके साथ जाना जाए, क्रिया के साथ जाना जाए, किसके साथ, क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ जाना जाए, क्रिया के साथ जाना जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा याद नहीं की जाती, परिभाषा समझी जाती है, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए। यानी ये है संज्ञा गोसाई, देखिए ये है संज्ञा गोसाई, है ना, और ये है सर्वनाम गोसाई, ये है सर्वनाम गोसाई। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ जाना जाएगा, क्रिया के साथ जाना जाएगा। यानी कैसे समझोगे, मान लीजिए कोई गया है ना, और बस में
यात्रा कर रही हैं एक भाभी और भाभी के एक बच्चा है टुनटुन। अब टुनटुन बगल वाली सीट पे बैठा है तो टुनटुन घूम रहा है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है अब रास्ते में है, कंडक्टर कह रहा है किसका बच्चा है, अपना बच्चा अपने बैग में रखें, किसका बच्चा है, यानी वो संबंध नहीं बताएगा ना। मान लीजिए एक बस है, आपको ऐसी परिभाषा बताऊंगा कभी भूलेगा नहीं। मान लीजिए ये बच्चा है, ये कौन है, ये भाभी हैं, ये कौन है, ये भाभी हैं, खूब बढ़िया सजी हैं, सजी हैं कि नहीं सजी हैं, हाँ लिपस्टिक भी लगाई हैं ये, ठीक ना, बाल इनके बहुत अच्छे हैं, काले बाल हैं, घुघराले बाल हैं, काले तो इस पर आएगा ही नहीं, है ना, काले बाल तो इस पर आएगा ही नहीं, ये तो बड़ी समस्या हो गई। चलो इनके बाल किस कलर कर दूँ, मेहंदी कलर का कर देता हूँ, समझ जाना ये काले हैं। अब ये हैं, है ना, इनका नाम है संज्ञा या सर्वनाम, इनका नाम है संज्ञा या सर्वनाम, इनका नाम क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। पहले परिभाषा सिद्ध करता हूँ। अब देखो ये बस का कंडक्टर है, ये क्या है, बस का कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कौन है, क्रिया है, कौन है जी, क्रिया है। अब कैसे समझोगे इसका संबंध इससे है, कैसे आप समझोगे, कैसे समझोगे आप इसका संबंध इससे, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम क्या रख लो, इसका नाम क्या रख लो, शिक्षक। इसका नाम क्या रख लो, जो भाभी हैं क्या है, शिक्षक, क्या है, शिक्षक, है ना। और क्रिया का नाम है पढ़ाया, है ना, पढ़ाया। अब एक बात बताओ, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। अब बताओ ये यहाँ है, यहाँ है। अब कंडक्टर आया है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, खोज रहा है, अब बच्चा मिल ही नहीं रहा, किसका बच्चा है, यानी क्या ये, और इसका तात्पर्य है यहाँ शिक्षक, यहाँ पाठ पढ़ाया, कोई मतलब है, नहीं मतलब है। अगर इसको जोड़ना है तो यहाँ पे आपने ने लगा दिया, यानी शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब क्या हो गया, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बता दिया, ने शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी यही पाठ पढ़ाया। यहाँ कई लोग बैठे हैं, कई लोग बैठे ना, बातें समझ आ रही नहीं समझ आ रही, एक बार बताओ, आज जैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा जिंदगी में कभी पढ़े नहीं होगे आप लोग। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी जोड़ कौन रहा है बताओ, यही कारक ही तो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है बताओ। अच्छा बताओ, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया, पकड़ना क्रिया है, पकड़ना क्या है, क्रिया है, पुलिस क्या है, करता है। अगर मैं यहां लिख दूं पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, अपराधी को पकड़ लिया, अब बताइए इसका संबंध उससे बताया कि नहीं बताया, इसका संबंध उससे बताया कि नहीं बताया। आज के बाद अब ये परिभाषा आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्या बताता है, वाक्य में क्रिया के साथ बताने वाले को कारक कहते हैं। यानी संज्ञा, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसके साथ बताते हैं, क्रिया के साथ बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना, बिना कारक के अधूरा है, बिना कारक के कैसे संबंध बताएगा, पुलिस ने पकड़ लिया, अरे किसे पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, आप बताइए। जब तक संबंध नहीं बताएगा तो संबंध बताने वाला होता ये संज्ञा या सर्वनाम के, जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक होता है। इतनी बढ़िया परिभाषा मैंने सिद्ध कर दी, क्या आप बताइए कोई दिक्कत है, क्या बताइए कोई दिक्कत है, मजा आया आपको, अच्छा लगा, बताओ परिभाषा समझ आई। तुम भी देखो बेटा ऐसे करके कहाँ बैठी हो, देखो कारक आता है तुमको, तब देखो ध्यान से कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करने से संबंधा के लिए अपादान से अलग है, उसके बाद से चले अच्छा, और आप आगे बढ़िए। अब ये तो रही परिभाषा, ये क्या रही परिभाषा, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब आइए कारक के भेद पे,
मुझे बताइए कारक के प्रकार कितने होते हैं? आठ प्रकार होते हैं। कारक के भेद, कारक के प्रकार, छोटा सा बच्चा बैठा है वो भी बता रहा है आठ प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बेटा? आठ प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला कर्ता कारक। क्या होता है बाबू? कर्ता कारक। दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। ये भी याद करा दूंगा, जब आप पढ़ाने जाओगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ता कारक कर्म कारक। तीसरा क्या होता है? करण कारक। क्या होता है? करण कारक। चौथा क्या होता है? संप्रदान कारक। ये पीडीएफ आपको यहीं से डाउनलोड करके लिख लेना, आप मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। संप्रदान कारक यही जो लिख रहा हूँ ना, ये डाउनलोड हो जाती है, संप्रदान कारक। उसके बाद क्या है बाबू? अपादान कारक। अपादान कारक इसके बाद क्या है? संबंध कारक। इसके बाद क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक और लास्ट में क्या है? संबोधन कारक। मजा आया कि नहीं मजा आया बताओ? मजा आया कि नहीं मजा आया? तुम लोगों की क्लास सुबह चलती है, सुबह वो आधे नशे में रहता है, ऐसे कर रहा है अभी ना, तो वो आज रात में देखना, दोपहर में वो सजे बजेगा तैयार होएगा। हाँ ठीक है ना। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया? इसको याद करने का तरीका बताइए, इसको मैं आपको याद करा देता हूँ, एकदम याद हो जाएगा, मतलब हाँ एकदम आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले कर्ता है, देखो क्रिया के साथ संबंध बताएगा, तो सबसे पहले कौन हो सकता है? कर्ता हो सकता है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्ता का मतलब क्या है? कार्य को करने वाला। अब कोई कर्ता होगा तो क्या करेगा? कोई ना कोई काम करेगा ना, कोई ना कोई, तुम उठे हो सुबह से, दतुवन मंजन किए, खाना ठूसे, ये सब काम है, खाना खाए ये भी काम है, उठना ये भी काम है, ब्रश करना ये भी काम है, खाना बनाना, यानी तुम पूरे दिन काम ही करते रहते हो, काम करते हो नहीं कहते हो, सोना भी काम ही है, सोना भी तो काम है। तो यानी अगर आप देखोगे उठना बैठना सोना चलना फिरना मंजन करना आलू टिक्की खाना है गोबर उठाना, ये सब काम है, ये सब काम है, काम अछूता नहीं है। तो यानी सबसे पहले कर्ता कारक है, कर्ता है तो वो कोई न कोई कर्म करेगा, कर्म करेगा किस लिए? कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के काम करता है क्या? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पैसा कारण है, तुम काम कर रहे हो नौकरी कारण है, तुम्हारी मम्मी काम कर रही है बेटे को खाना खिलाना है, पापा काम कर रहे हैं बेटों को पढ़ाना है, बिना किसी के है ना, तब क्या है? सोना काम नहीं है तब क्या है? सोना भी काम है बाबू, क्रिया होती सोना, सोना क्रिया होती, क्रिया को ही तो काम कहते हैं, तोड़फोड़ भी क्रिया है। कैसी बातें कर रहे हो यार, सोना कार्य है, सोना भी कार्य है, जगना भी कार्य है, उठना भी, सोना भी काम ही कर रहे हो, सोना पड़ता है, सो जाओ सो, है कि नहीं? सोना कार्य में आता है, वो भी अकर्मक में आता है, ठीक है, कर्म कारक हो गया। यानी सबसे पहले करता है वो कर्म करता है, कोई न कोई कारण होता है, और काम करने के बाद फल मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? आप अगर रोटी बनाते हो तो काम करने के बाद रोटी तैयार हो जाती है, नौकरी करते हो तो काम करने के बाद आपको पैसा मिलता है, और अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, यानी कुछ न कुछ संप्रदान होता है। तो चौथा क्या हो गया? संप्रदान कारक। अब पांचवा क्या हो गया? अपादान। कई बार संप्रदान मिलता भी है तो फिर अपादान अलग भी हो जाते हैं, लोग हमको कम मिला उनको ज़्यादा मिला हमको नहीं मिला, यानी चार संप्रदान और पांच क्या होता है? अपादान। अपादान का मतलब अलग होना। अब अलग तुम किससे होते हो? पराये से होते नहीं, पराये से अपने आप ही अलग हो, जिससे तुम्हारा संबंध होता है,
जिससे तुम्हारा संबंध होता है उसी से अलग हो गए। हाँ, तो अलग किससे होना है? संबंध वाले से, 6 नंबर पे। और संबंध जिससे होगा उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। 2 घंटे नाराजगी रहेगी, तीसरे घंटे मना लोगे, कहोगे तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, जिया नहीं लगे। संबंध कारक के बाद क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण जिसको होगा उसी का तो तुम संबोधन करोगे। अगर आपसे पूछा जाए किसके बालक हो, तो आप कहोगे राम मिश्रा के। तब कहेंगे बताओ कारक, ऐसे आंखें बंद करना। क्या कहना? कर्ता कारक, करता है तो कोई न कोई काम करेगा। कर्म कारक, काम करेगा कुछ न कुछ पैसा मिलेगा। करण कारक, करण कारक क्यों? करण के बाद क्या होता है? हाँ, किसी न किसी कारण से। यानी ऐसे आंख बंद करके कर्ता कारण, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कहेंगे अच्छा तुम इतने अच्छे टीचर के स्टूडेंट हो, उल्टा बताओ। तो अब उल्टा जब बताना कि संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। देखो बच्चा भी बता दिया, समझे कि नहीं? बता दिए कि नहीं? इधर आओ, तुम इधर आओ, अपना चेहरा मत दिखाना, आओ चेहरा ढक लो तुम। अच्छा आओ, रुको रुको, देखो तुमसे आंखें बंद करके सुनवा देता हूँ। आ जाओ, ऐसे आ जाओ तो कोई बात नहीं। अच्छा चेहरा ढक लो तुम, चलो ऐसे लगा लो। आओ, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, चेहरा ढक के आएगा। हाँ, चेहरे के सामने ऐसे लगा लो। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चेहरा नहीं दिखाएगा। हाँ लगा लो, नहीं देख लेंगे सब, चेहरा नहीं दिखाएगा। आ जाओ आगे। हाँ, चेहरा वो ढके रहो ना। हाँ, अभी ये सोक उठा ना, अब देखो ये चेहरा ढका ना, जल्दी जल्दी बोल दो कौन कौन सा कारक। क्या कर्ता कारक? इसको हटा ऐसे करके। हाँ, कर्ता कारक। हाँ, कर्म कारक। हाँ, उसके बाद करण कारक। हाँ, और संप्रदान कारक। हाँ, अपादान कारक, संबंध कारक, और अधिकरण कारक, उसके बाद संबोधन कारक। हाँ बता दी। अरे मुंह मत दिखाओ, अभी उठे हो तुम, सो के जाओ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, हुआ ना। हाँ देखो, छोटा बच्चा आपको बता दिया, तो अब आप बता दोगे, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? पक्का आगे बढ़ूँ? अब एक एक कारक आपको ऐसा बताऊंगा मज़ा आ जाएगा। मतलब जो टॉपिक पढ़ेंगे आज संडे एकदम फेस्टिवल मना लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी चेहरा देखना है, कहते हैं चेहरा कह रहा है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, हैं। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़िए। अब आइए कर्ता कारक पे। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्ता कारक। पहली हेडिंग है, और जो हेडिंग है कर्ता कारक, क्या होता है? कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। ये जो कर्ता कारक है इसकी विभक्ति क्या होती है? तो कर्ता की होती है ने। अच्छा, सबसे पहले इनको विभक्ति भी याद करानी पड़ेगी, रुको। सबसे पहले आपको विभक्ति भी याद करानी पड़ेगी, ये भी यहाँ लिख देता हूँ, ये भी यहाँ लिख देता हूँ। देखो, कर्ता है, कर्ता का क्या होता है? ने होता है, ठीक है। कर्म का क्या होता है? को या को ना, कर्ता ने कर्म को। करण क्या होता है? करण का होता है से या के द्वारा, ये भी तो होता ना, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक ना। संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है? को या के लिए, को या के लिए, को या के लिए। अपादान, अपादान का होता है से, यानी अलग होने के लिए। अब ध्यान से समझना, को यहाँ भी है, को यहाँ भी है, पहचान बताऊंगा। से यहाँ भी है, से यहाँ भी है, पहचान बताऊंगा। संबंध कारक होता है का के की, का के की, ना ने नी, रा रे री, रा रे री, ये होता है आपका। अधिकरण कारक क्या होता है? में होता है या पर होता है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, हे राम, ये सब। नानी ने नाना को 2 थप्पड़ मारे, ये कौन सा कारक? अभी रुक जाओ, नानी नाना जी मत मरो सुबह सुबह, है ना। तो ये आपको समझ आया? एकदम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम मजा आ जाएगा आपको क्लास में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इतनी चीजें। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, एक एक चीज़ों की परिभाषा बताऊँगा। मेरी क्लास का मतलब क्या? 100% आपको समझ आ जाना।
अब कर्ता कारक है इसका पहचानने हैं। अब देखो होता क्या है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कौन प्रधान होगा, कर्ता। कर्ता मतलब किसी कार्य को करने वाला, है ना, किसी कार्य को करने वाला। जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने खाना खाया, बच्चे ने क्या खाया, खाना खाया। अब आप ये समझिए एक बात बताइए, बच्चे ने खाना खाया, यहाँ पे क्रिया को करने वाला कौन है, खाना खाना क्रिया है ना, खाना खाना क्या है, क्रिया है, इसको करने वाला कौन है, बच्चा है। तो यहाँ बच्चा प्रधान है, क्या है, बच्चा प्रधान है, बच्चा ही कार्य को कर रहा है, वही श्रेष्ठ है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक मतलब इसमें जो क्रिया के साथ संबंध बता रहा है वो कौन है, वो कर्ता है, यानी खाना क्रिया है। देखो खाना, फूड, फूड, ये फूड है, फूड मतलब भोजन, ये ईटिंग है, दोनों में अंतर है, ईटिंग फूड, खाना खाया, खाना मतलब भोजन, खाया मतलब घटकना, भोजन रखा है ना, भोजन जैसे दाल रोटी सब्जी सब भोजन है, तो ईटिंग फूड उल्टा लिख दिया, अच्छा खाना खाया, नहीं सही लिखा है, खाना खाया मतलब सेंटेंस मत देखो, सेंटेंस आगे पीछे लिखा जाता है, खाना का मतलब फूड भोजन, अरे भैया अब खाया मतलब ईटिंग, इसको लिख लो भोजन खाया, यही तो होता है ना, यही होता है ना। गुड मॉर्निंग आकांक्षा यादव। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो क्रिया है उसका संबंध किसके साथ जाना जा रहा है, कर्ता के साथ, किसके साथ जाना जा रहा है, कर्ता के साथ। यानी खाना खाया क्रिया है ना, खाया ऐसे नामू 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 नामू, खाया कि नहीं खाया, खाया ना, तो ये जो खाया है इसका संबंध किसके साथ, इसके साथ। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी पहचान क्या है, ने, यानी यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है, कर्ता। यानी क्रिया किसके अनुसार हो रही है, बच्चे के अनुसार, बच्चे ने खाना खाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। दूसरा सेंटेंस देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, देखो केवल पहचान से काम नहीं चलेगा, केवल ने से काम नहीं चलेगा, टीजीटी पीजीटी में जा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, है ना, ये तो सरल है, ये तो सरल है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बच्चे ने खाना खाया, ये तो सरल है। क्यों, क्योंकि आपको ने मिल गया, आपको ने मिल गया, आपने आंख बंद करके लगा दिया कि गुरुजी ये कर्ता कारक है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, ये भी कौन सा है, गुरुजी कर्ता कारक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपका मामला उल्टा हो जाए, हैं क्या करूं, जाओ वहाँ चाबी लेके जाओ बेटा, बैठे रहो वहाँ थोड़ी देर, जब वो आएगा एक बार ना, आज तुमको भी जाना पड़ेगा, ठीक है, चलो जिधर तो तुम जाओ वहाँ। समझ आया, नहीं समझ आया, बताओ, एकदम बढ़िया ना, आगे बढ़ूं। तो यानी बच्चे ने खाना खाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये कर्ता कारक है। यहां तक तो आपको समझ आ गया, यहां तक तो आपको समझ आ गया। लेकिन अगर मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ टिंकू खेलता है, क्या लिख दूं, टिंकू खेलता है, टिंकू क्या करता है, खेलता है, टिंकू क्या करता है, खेलता है, राघव पढ़ता है, राघव पढ़ता है, अब आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। क्यों गुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ने नहीं है,
अब ये बताओ यहाँ ने नहीं है, अब ये क्या होगा? अब ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रदान कारक है कि अपादान कारक है कि संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि संबोधन कारक है? कौन सा कारक है? संबंध कारक है, राघव पढ़ता है और टिंकू खेलता है, संबंध कारक है ना? मैंने क्या बताया? हाँ, ये कर्ता कारक ही है। यहाँ पे परसर्ग लुप्त है, लेकिन ये जो खेलता है, ये जो क्रिया है, ये जो पढ़ता है क्रिया है, इसमें कर्ता ही प्रधान है। यहाँ कर्ता टिंकू है, यहाँ कर्ता राघव है, यानी टिंकू खेलता, यहाँ परसर्ग नहीं है, लेकिन कर्ता का मतलब कौन? क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को करने वाला यही होगा। अंतर देखना, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये कारक की पूरी क्लास देख लो, फिर पूरे YouTube पे क्लास देखना, आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन अदर टीचर एंड राम मिश्रा। ठीक ना, आपको समझ आ गया? यानी इसमें परसर्ग लुप्त होगा तो भी कारक वही होगा, क्योंकि जो क्रिया है उसको करने वाला करता है। अब हम दूसरे पे चलते हैं जिसका प्रयोग है, यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज होता है ना, सकर्मक तथा भूतकाल होता है, वहाँ क्या होगा? परसर्ग लगेगा। जहाँ ये सकर्मक होगा और भूतकाल होगा, जैसे बच्चे ने खाना खाया, ये सकर्मक है। सकर्मक का मतलब क्या होता है याद रखना, जहाँ पे ये सकर्मक होगा, मतलब बच्चे ने खाना खाया, क्या खाया तो आपको बताना पड़ेगा, खाना खाया, ये सकर्मक है। जहाँ पे सकर्मक है वो भूतकाल है, वहाँ पे परसर्ग लगता है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, पाठ कर्म है, लेकिन ये क्या है बताओ? अब जैसे टिंकू खेलता है, खेलना अकर्मक है, खेलना क्या है? अकर्मक है। नहीं, उसमें सिर्फ अकर्मक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खेलना क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये भी है सकर्मक, ये भी है सकर्मक। तुमने हमको गलत नियम बता दिए क्या? नहीं, बता दिए। रुको रुको रुको, उसको अभी छोड़ो। देखो होता क्या है, है ना, सकर्मक तथा भूतकाल में होती, वहाँ परसर्ग लगता है। सकर्मक के साथ भूतकाल भी लगना है, सकर्मक के साथ भूतकाल नहीं है ये, इसलिए इसको अभी आप छोड़ो। बात ये समझो कि बच्चे ने खाना खाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ने है, लेकिन यहाँ ने नहीं है, और जब यहाँ ने नहीं है तो भी ये परसर्ग क्या है? लुप्त है, फिर भी यहाँ पे कर्ता कारक है। हाँ, सकर्मक है। अरे रहने दो, मैं समझ गया। हाँ हाँ, छोड़ दो उसको, ठीक है ना। हाँ, पढ़ना सकर्मक है, लेकिन बात क्या होती ना, देखो ऋतु, वहाँ मैं एक चीज़ ये नहीं बताया कि ये देखो, ये भूतकाल नहीं, ये भूतकाल है और ये भूतकाल नहीं है। पर मतलब जो सकर्मक होता है ना, कहने का मतलब जो आपका अकर्मक तथा भूतकाल परसर्ग किसमें लगेगा? सकर्मक होगी तथा भूतकाल। ये देखो सकर्मक है और भूतकाल है, जिसमें परसर्ग लगा है, कुल मिला के ये समझो ये भूतकाल है। बच्चे ने खाना खाया, यानी ये भूतकाल है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी ये भूतकाल है, पढ़ा चुका, चाहे भले आसन्न भूतकाल हो, तत्कालिक हो, लेकिन टिंकू खेलता है या भूतकाल नहीं है, राघव पढ़ता है भूतकाल नहीं है। आपको एक पहचान बनानी है कि जो भूतकाल है उसमें परसर्ग लगता है, और जो भूतकाल नहीं है उसमें परसर्ग नहीं लगता है, जो चल रहा है, ठीक ना। हाँ नहीं, सकर्मक अकर्मक छोड़ो, मुझसे गलती से निकल गया यार, अब तुम सकर्मक अकर्मक मेरे टी शर्ट पकड़ के फाड़ दो। सकर्मक अकर्मक छोड़ो, कहने का मतलब सिर्फ इतना समझ लो कि जो क्रिया भूतकाल में है उसमें परसर्ग लगेगा, जो क्रिया भूतकाल में नहीं है उसमें परसर्ग नहीं लगेगा, इतना समझो बस। खेलना सकर्मक है बेटा, खेलना सकर्मक है, खेलना सकर्मक है। कुछ ना कुछ खेलोगे, गोबर खेलोगे, बैडमिंटन खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, खेलोगे कि नहीं खेलोगे? खेलना मतलब क्या? हवा। खेलना सकर्मक होता है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। क्या खेलते हो तुम?
गुल्ली डंडा खेलोगे, बैडमिंटन खेलोगे, खेलना सकर्मक है, पढ़ना भी सकर्मक है। क्या पढ़ोगे? हिंदी पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, पुस्तक पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कहानी। हाँ, वर्तमान में परसर्ग लुप्त हो जाता है कभी कभी, ये आपकी पहचान है। कुल मिला के फिर से देखो, मैंने आपको बताया बच्चे ने खाना खाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ने परसर्ग है। लेकिन अगर ने नहीं भी है तो भी होगा, क्योंकि ये जो क्रिया है इसको करने वाला कर्ता प्रधान है और ये वर्तमान में है, इसलिए इसमें परसर्ग नहीं लगा है। समझ आया? ठीक ना, आगे बढ़ूँ मैं? ये आपको समझ आ गया? अब आप मुझे बताइए एक प्रश्न, देखता हूँ आपको समझ आते कि नहीं, बताओ आपको बताना है या नहीं है, आपको बताना है कर्ता कारक है या नहीं है। मैं अभी समझ जाऊंगा, आपको बताना है कर्ता कारक है कि नहीं है। राघव ने बंदर को दौड़ाया, राघव ने बंदर को दौड़ाया, इसमें है या नहीं है, इसमें है या नहीं है? ए मतलब हाँ सर, इसमें कर्ता कारक है, इसमें कर्ता कारक है या नहीं है, कर्ता कारक है या नहीं है? ए मतलब है, बी मतलब नहीं है, इसमें कर्ता कारक है या नहीं है, बताओ। हैं? नहीं है पक्का? इसमें कर्ता कारक है या नहीं है? ऋचा पांडे कह रही है, ऋचा पांडे कह रही है, और रितु तुम बताओ, ए मतलब है, अपना टाइम आएगा, नहीं है, सपना कह रही है, सौम्या कह रही है, नमस्ते विभा, नमस्ते। अच्छा, इसमें बताओ, दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर बताओ, बच्चा सोता है इसमें, बच्चा सोता है इसमें, ए मतलब है, बी मतलब नहीं है। ये प्रश्न एक था और ये प्रश्न दो है, ए मतलब है, बी मतलब नहीं है। नमस्ते नीलम गुप्ता, नमस्ते नमस्ते। इसमें है, ये बहुत जरूरी था, इसमें नहीं है, इसमें कर्ता कारक नहीं है। अब आप कहोगे सर ने है और आप हमको मूर्ख बना रहे हैं, आप कहेंगे कि सर हम लेक्चरर बनने जा रहे हैं, आप हमको मूर्ख बना रहे हैं। तो जी हाँ, आप मूर्ख हैं। कैसे? आगे मैं सिद्ध करूंगा। आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ। क्यों? याद रखना कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं, बाकी लोग नहीं कहते हैं। मैंने बताया था क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को, यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ बताएगा। किसके साथ बताएगा? क्रिया के साथ संबंध बताएगा। क्रिया के साथ क्या बताएगा? संबंध। अभी क्या था, मैंने क्या लिखा था? राघव ने बंदर को दौड़ाया, यही लिखा था ना। चलिए मैं सिद्ध करता हूँ, है ना, क्या गजब मजा आएगा। राघव ने बंदर को दौड़ाया, यही लिखा था ना। राघव ने, अभी पूरा फिर से पढ़ाऊंगा ये कर्म कारक, याद रखना। राघव ने बंदर को दौड़ाया, राघव ने बंदर को दौड़ाया। अब आप बताओ इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है? इसमें दौड़ाना क्रिया है। क्या क्रिया है? दौड़ाना। अब दौड़ाना का क्रिया राघव के साथ नहीं बताया जा रहा है, राघव ने बंदर को दौड़ाया। किसको दौड़ाया? यानी क्रिया का संबंध इसके साथ जाना जा रहा है, यानी होता है क्रिया के साथ संबंध बताने वाला। ये तो हो गया संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताता है। तो ये संज्ञा और ये सर्वनाम संज्ञा हो गया, इसका संबंध क्रिया के साथ कौन बता रहा है? ये बता रहे कारक कौन हुआ बे, कारक कौन हुआ? कारक ये हुआ।
यानी संज्ञा या सर्वनाम यानी रागों का संबंध क्रिया के साथ कौन बता रहा है, ये बता रहा है ना, तो कारक ये हुआ ना। संबंधवा कौन बता रहा है, राघव नहीं संबंधवा बता रहा है, बंदरवा बता रहा है संबंधवा। तो संबंधवा जब बंदरवा बता रहा है तो कारक कौन हुआ, ये हुआ, यानी राघव ने बंदर को दौड़ाया। कुल मिला के यहाँ पे काम जो है वो कर्म के अनुसार हो रहा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। हाँ, क्योंकि क्रिया जो है बंदर ने, अभी मैं आपको और कॉन्सेप्ट अच्छा बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, है ना। आइए दूसरा ऑप्शन समझिए, अभी आपको ऐसा बता दूंगा कभी नहीं भूलेगा। आइए दूसरा नंबर है कर्म कारक, क्या है कर्म कारक। अभी तो आपको थोड़ा सा उलझा रहा था, उलझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उलझोगे नहीं तब तक आप सुलझोगे नहीं, जब तक नहीं उलझोगे तब तक नहीं सुलझोगे। समस्या की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको पहले फंसाता हूँ, जब आपको फंसाता हूँ यानी उलझाता हूँ फिर आपको सुलझाता हूँ। और अगर आप सुलझे सुलझे सुलझेंगे तो सुलझे सुलझे ऐसे ही सुलझेंगे, इतने सुलझे रहेंगे, इधर जाएं उधर जाएं समझ ही नहीं आएगा, है ना। और जब बाधा दौड़ होती उसमें आपको नहीं अभी पढ़ाया कहाँ जो समझ आएगा, अभी तो आपको समस्या बताया। अब आइए कर्म कारक पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, कर्म कारक का परसर क्या होता है, को होता है। आप देखो इतना बढ़िया अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिस जय जयकार होने लगी, यानी इसमें अगर एक चीज बताऊंगा, सबसे छोटी परिभाषा बताऊंगा, फिर नहीं भूलेगा। देखो पानी पी लेता हूँ। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इतनी छोटी परिभाषा कोई नहीं बताओगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े बस, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वही कर्म कारक होगा। इसका प्रसर्ग है को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, इससे छोटी परिभाषा किसी ने बताई आज तक। अब मैं दिखाता हूँ कि यही प्रश्न लिखता हूँ, राघव ने बंदर को दौड़ाया, क्या हुआ, राघव ने बंदर को दौड़ाया। अब समझ आएगा, दौड़ाया मतलब क्रिया, ऐसे दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है। अब बताओ वो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बंदर पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, बंदर पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, राघव ने बंदर को दौड़ाया तो बंदरवा बेचारा ही तो भाग रहा है, यानी ये जो क्रिया है इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बंदर पर पड़ रहा है ना। क्रिया का प्रभाव कर तो भले राघव रहा है लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बंदर पर पड़ रहा है ना। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए पीके ने सीके को दंड दिया, पीके ने सीके को क्या दिया, दंड दिया, पीके ने सीके को दंड दिया। अब बताओ दंड देने वाला तो पीके है लेकिन वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो प्रभाव सीके पर पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दंड का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दंड का प्रभाव सीखे पड़ रहा है, और को तो पहचान है ही। अभी आपको और बताता हूं फिर दिक्कत नहीं होगी। ये कर्म कारक है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक है ना। जैसे दो उदाहरण और लिखो, गब्बर ने बसंती को नचाया। यार गब्बर पर थोड़ी प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, नाच तो बसंती रही ना, नाच बसंती रही ना, नाच मेरी रानी वाला सुनेंगे नहीं, नाच तो बसंती रही ना, और तो गब्बर तो खड़ा है, हा, गब्बर तो हा कर रहा है, नाच तो बसंती रही ना, कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप सी, बालम नाच रही ना, वो कौन बसंती,
अगर आप देखोगे तो क्रिया का प्रभाव नाचना, नाचना क्रिया है और इस नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बसंती पर पड़ रहा है, क्योंकि पैर तो बसंती के हैं, तो यानी इसलिए जिस पर क्रिया का, नहीं तो आप ने देख के वो भी लगा दोगे, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ। नहीं दो या तीन निकाल दो चेतन, ये सब रटा रटाए छोड़ो, दो या तीन निकालो, दो या तीन निकाल दो। बात ये है ना, अभी मैं आपको फंसाऊंगा इसमें भी, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब तुम बताओ को भी है और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, अभी आपको मैं फंसा रहा हूँ है ना, फंसा दूँ आपको, अभी देखो और अगर आपको पहचान करनी है तो आप कर्म की पहचान कैसे करते हैं? मुझे बताइए कर्म की पहचान कैसे करते हैं, क्या से करते हैं कर्म की पहचान, क्या से करते हैं, या आप किसको कर लीजिए, क्या नचाया, आंसर नहीं मिलेगा, किसको नचाया, तो बसंती को, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। तो कुल मिला के पहचान को है, और ये भी कह सकते हो कि जो दूसरा वाला है, लेकिन पहले दूसरे में कंफ्यूज मत होना, यानी ये जो नचाया जा रहा है इसका प्रभाव बसंती पर पड़ रहा है, बात खत्म। दो है, ये भी पहचान हो गई दोनों। और आप आगे बढ़ो, अब मैं आपको, चलो नहीं फंसाऊंगा, एक प्रश्न में फंसा देता हूँ, एक प्रश्न फंसा देता हूँ। किसका नाम लेता हूँ, चेतन का, चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें बताओ, चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें बताओ, चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, 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 चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अभी जब एक बार पूरा फिर से समझा दूंगा तब समझ आ जाएगा। चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, करता, हाँ चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, करण कारक ना, गलत। एक्चुअली क्रिया क्या है इसमें, इसमें क्रिया क्या है, इसमें जो क्रिया है वो खरीदा है। अब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कपड़े पर पड़ रहा है, यानी चेतन ने बाजार से कपड़े को खरीदा। शुद्ध ये होता है, चेतन ने बाजार से कपड़े को खरीदा। जैसे मैं बाजार को जाता हूँ, तो यानी ये जो खरीदा है क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कपड़े पर पड़ रहा है, तो ये भी कर्म कारक है। से क्यों नहीं है, क्योंकि कारण नहीं है, है ना, खरीदा जाना कारण नहीं होता। क्रिया के होने का कारण कपड़ा कैसे हो सकता है, क्रिया के होने का कारण थोड़ी, वो तो बाजार और खरीदा, वो तो बाजार गई खरीदी, है ना, वो तो बाजार गई, जाना बाजार, कारण बाजार, कपड़ा। तो यानी चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा। देखो अगर आप केवल प्रसर्ग याद करेंगे तो टेट में काम चल जाएगा, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में आपको समस्या हो सकती है, उसके लिए आपको मेरी क्लास लेनी पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कर्म कारक है, और आपको अगर दिक्कत है तो आप देखिए एनसीईआरटी, आप देखिए रेफरेंस एनसीईआरटी क्लास 8th, एनसीईआरटी क्लास 8th, पेज नंबर 131, पेज नंबर 131 रेफरेंस, आप देखिए एनसीईआरटी क्लास 8th पेज नंबर 131, ठीक ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, पेज नंबर 131 क्लास नंबर 8th एनसीईआरटी। मैंने पहले भी बताया था, मैं एनसीईआरटी क्लास 8th 9th 10th तक आपको व्याकरण पूरा पढ़ाता हूँ, प्लस हरदेव बाहरी पढ़ाता हूँ, प्लस जितने कंपटीशन की बुक हैं उससे प्रैक्टिस कराता हूँ, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
यानी चेतन ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यानी ये जो खरीदना है उसका प्रभाव कपड़े पर पड़ रहा है, खरीदना क्रिया है उसका प्रभाव कपड़े पर पड़ रहा है, ठीक ना? ओके, अब समझ आया? आपको केवल मेरी क्लास करनी है, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप बताइए, मैं भेज दूँ। क्या आपको देखना है? क्या आप देखना चाहते हो? क्या आपको प्रूफ चाहिए? क्या प्रूफ चाहिए आपको? चलो, और NCERT की किताब कभी भी अप्रमाणिक नहीं होती, इस बात को जान लेना। तुम्हारी मार्केट की किताब से हम प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम जो है उसकी किताब, बैठो तुम, बैठो बैठो, कहाँ कूदने जा रहे हो तुम? लेकिन हम कहाँ, कौन है ने बोला? थोड़ी कोई 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 बोलेगा, हमारे विद्यार्थी हैं, है ना? आपको मैं भेजता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप, है ना? एक मिनट रुक जाइए, मैं मेरे बातों पर संदेह मत करना, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन जिस बात पे मैं जोर दे दूँ उसको फिर आप गलत मत समझना, कभी भी उसको आप गलत मत समझना, है ना? एक बार आपको भेजता हूँ, नहीं दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम उस पर डिस्कस, हाँ, कर्ता ने कर्म को खरीदा। कुल मिला के इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये टेट का एग्ज़ाम नहीं है, आप TGT देने जा रहे हो, PGT देने जा रहे हो, आप सुपर टेट देने जा रहे हो, इसलिए इसका लेबल आपको समझना पड़ेगा। इसका लेबल क्या करना पड़ेगा आपको? इसका लेबल आपको समझना पड़ेगा, इसका लेबल आपको समझना पड़ेगा। आइए प्याले प्याले बच्चों, देखिए, देखो दिख रहा है क्या ये आपको? और थोड़ा जूम कर दो, चलो कोई बात नहीं, हाँ दिखेगा। देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ये कर्म कारक, ये पेज नंबर 131 NCERT है। देखो वापस आप देखिए, यहाँ पे देखो, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यानी चोर अपराधी सांप तथा कपड़ा कर्म कारक हैं। इसमें दंड दिया या पकड़ लिया या खरीदा क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव चोर अपराधी सांप तथा कपड़ा पर पड़ता है, है ना? समझ आया? दिखा नहीं दिखा? ये दिख रहा होगा, देखो मैं हट जाता हूँ, देखो दिख रहा होगा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ऊपर देखो कौन सा कारक है? कर्म कारक है या नहीं है? कर्म कारक है ना? नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ ये क्या है? कर्म कारक है, हाँ या ना? दिखा? गुड मॉर्निंग अपूर्वा, दिखा? किरण दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? हाँ, तो जो मैं बताऊं अभी, इसीलिए तो आपको परसर्ग से आगे लेके बढ़ रहा हूँ, आप केवल रट्टा मार्ग नहीं बढ़ सकते, वो आपको फंसाएगा, लेकिन आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपको फंसा नहीं पाएगा वो। अब आप आगे बढ़िए, आपको कर्म कारक समझ आ गया कि नहीं समझ आया? आपको कर्म कारक समझ आया कि नहीं समझ आया? आपको कर्म कारक समझ आ गया? एक बार आप लोग शेयर भी कर देना क्लास को। अब 9 बज रहा है, अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे क्योंकि उनको लगा होगा 9 बजे क्लास है, ठीक है जी? हाँ जी हाँ, गुड मॉर्निंग अपूर्वा। अब आप आइए करण कारक पे, अब हम तीसरे कारक को पढ़ेंगे जो कि है करण कारक। क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। करण कारक में क्या होता है बच्चा? से होता है या क्या होता है? के द्वारा ना, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है जी? करण कारक में क्या होता है? से या के द्वारा। अभी आपका डाउट दूर करता हूँ, अभी आपने जो से देखा था ना, आप जो से देखे थे उसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ, आप तो कहे करण कारक है। बाबू केवल परसर्ग याद करने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट याद करना है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनको पढ़ के जाना है, लाठी भांजना है उनको, वहाँ अपराधियों को हिंदी नहीं पढ़ानी, लेफ्ट राइट कारक बताओ, जी हुजूर, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, नहीं दाएं मुड़, अपादान कारक बताओ, ऐसा होगा क्या? लेकिन तुमको बताना पड़ेगा बच्चों, विश्राम सावधान कारक बताइए, तुमको पढ़ाना पड़ेगा, और जो जिसको पढ़ाना है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको एकदम ढंग से आना चाहिए। जो वन डे एग्ज़ाम वाले होते हैं वो केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पढ़ाना है,
आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। आप जब मास्टर बन जाएंगे तो भी आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा, तो भी आप मुझसे पूछेंगे गुरु जी ये बताइए। आपको क्या लगता है जो टीजीटी पीजीटी वाले वो नहीं पूछते हैं, पूछते रहते हैं वो कई यूनिवर्सिटी में, जब उनको व्याकरण में दिक्कत होती पूछते रहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं करण कारक। तो करण कारक मतलब क्रिया के करने या होने का साधन है ना। देखो करण कारक की परिभाषा क्या है, क्रिया के करने या होने, यानी क्रिया के होने का साधन, क्रिया के होने का साधन होता है, क्रिया के होने का साधन। उसमें क्या है प्रभाव, उस पर पड़ेगा, जिस पर ले जाओ उस पर पड़ेगा। क्रिया के होने का साधन यानी क्रिया अपने आप नहीं होगी, बिना इसके सहारे, बिना इसके सहारे क्रिया नहीं होगी, बिना इसके सहारे क्रिया नहीं होगी। अब आप देखिए इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझिए। यानी क्रिया के होने का कारण है परसर्ग होता है से या के द्वारा, यानी इसी के द्वारा क्रिया होगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो आप हिंदी राम सर से पढ़ते हैं, यानी हिंदी पढ़ने का कारण कौन है, राम सर हैं। आप रोटी बनाते हैं तो आप रोटी बेलन से बनाते हैं, तो रोटी बनाना क्रिया है और रोटी बनाने का कारण कौन है, ये साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है। जैसे वेद अनुराग चंदेल है ना, अनुराग गेंद से खेलता है, अनुराग क्या करता है, गेंद से खेलता है, अनुराग क्या करता है, गेंद से खेलता है। अब आप मुझे बताइए जरा, खेलना क्या है, खेलना क्या है, खेलना क्या है, क्रिया है, खेलना क्रिया है। और इस क्रिया होने का कारण कौन है, ये जो गेंद है ना, ये क्रिया गेंद के द्वारा ही तो घटित हो रही है ना, गेंद के द्वारा। तो अनुराग गेंद से खेलता है, तो यानी इसलिए ये क्या है, करण कारक है, क्योंकि खेलने का कारण क्या है, गेंद से, है ना। समझ आया या नहीं समझ आया, समझ आया। अभी आपको इसमें और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे राम सर पेन से पढ़ाते हैं, एक एक जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कृष्ण ने, कृष्ण के द्वारा कंस, किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, यही तो होता है ना, राम ने रावण को मारा, नहीं बताओ, रावण को कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, ये जो कंस होता है ना, हाँ। एक तो ये भी होगा, राम ने रावण को धनुष के द्वारा मारा, बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, रावण को बाण से द्वारा मारा, और कंस के द्वारा, कंस नहीं, कृष्ण के द्वारा रावण को मारा गया, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, क्या सेंटेंस क्या होगा, एकदम उपयुक्त क्या होगा, कंस कृष्ण, वही जो मैं बताया, ये जो कंस है, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा मारा गया। अब पहचान अगर आपको बतानी है तो आपको से मिल गया, लेकिन यहाँ को भी तो है, यहाँ ने भी तो है कि नहीं, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, यहाँ के द्वारा। अब कुल मिला के ये समझो, मारना क्रिया है, और ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, बाण से। मारने का कारण क्या है, बाण, और यहाँ कंस कृष्ण के द्वारा, कंस को मारने का कारण कौन है, कृष्ण, तो यहाँ पे क्या है, करण कारक है, कौन सा कारक है, क्या, क्रिया के होने के साधन। बच्चे बताओ, मारना क्रिया है, देखो मार रहा हूँ मैं, नहीं मार रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ, अब मार रहा हूँ, अब क्रिया क्या है, मुक्के से मारा, राम सर ने बोतल को मुक्के से मारा, तो मारने का कारण मुक्का है, हटा दिया, डंडे से मारा, राम सर ने किससे मारा, डंडे से मारा, मारने का कारण क्या है, मतलब ये मारने का नहीं, क्रिया, मारना मतलब क्रिया, क्रिया के होने का कारण क्या है, डंडा ना, बताओ। अब राम सर ने बोतल को फूंक से मारा, अब बताओ क्रिया क्या है,
मारना, फूकना भी क्रिया फूक से, तो कहने का मतलब यानी जो क्रिया है उसके होने का कारण क्या है, मतलब क्रिया जो घटित हो रही किस कारण से घटित हो रही, मारना क्रिया है तो वो किससे घटित हो रही, उसको घटना का अंजाम किससे दे रहे हो तुम, डंडे से, मुक्के से, समझे कि नहीं समझे। तो यानी कुल मिला के हैं, हाँ साधन तो यही है ना, जैसे मारना क्रिया है, अब मारने का साधन क्या है, बाण। अब आओ तुम्हारी पीठ लाल करूं, तुमको मारने का साधन मुक्का होगा, होगा कि नहीं, या डंडे से मारूं तुमको, क्रिया मारना होता है। और किसके द्वारा मारा जाएगा वो, हाँ कारण होगा वो। जैसे खाना क्रिया है, चम्मच से खाता है तो खाने का जो माध्यम है वो कारण का मतलब माध्यम, क्रिया के करने का माध्यम है ना, क्रिया के करने का माध्यम। गांव से आया हमारा भतीजा है, वो अनुराग गेंद से खेलता है, यानी ये आपको समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया, एकदम समझ आया। अभी हमने तीन बताया और तीनों को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कर्ता कारक, क्या बताया कर्ता कारक, इसकी परिभाषा क्या थी, इसका परसर क्या था, ने, अगर ने नहीं भी होगा यानी अगर वर्तमान होगा तो ने नहीं लगेगा। दूसरा आपको बताया कर्म कारक, कर्म कारक का मतलब होता है क्या, कर्म कारक का मतलब क्या होता है, यानी जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं, हाँ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे राजा ने चोर को दंड दिया तो दंड देना क्रिया है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है। सपेरे ने सांप को नचाया तो नाचना क्रिया है, सांप नाच रहा है तो सांप पर पड़ रहा है ना, तो बसेरे सपेरे ने सांप को नचाया, नाचना क्रिया है, और नाच कौन रहा है, सांप रहा है, तो सांप को क्या है, एकदम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कर्म कारक। अब करण कारक, कर्म कारक का क्या होता है, को होता है, सपेरे ने सांप को नचाया। दूसरा होता है करण कारक, करण कारक का मतलब होता है कार्य के करने का माध्यम। अब मैं पानी पी रहा हूँ तो पानी पीने का साधन ग्लास है ना, तो राम सर ग्लास से पानी पीते हैं, मिला कि नहीं मिला आपको, मिला बहुत अच्छे से।
चलो अब ये क्लास कल कंटिन्यू होगी, है ना? ये क्लास बच्चों कल कंटिन्यू होगी, इसको आगे कल कंप्लीट करता हूँ, ठीक है ना? इसको कल कंप्लीट करता हूँ, आज कुछ काम है फ्लैट पे, है ना? शायद वहाँ वो बिल्डिंग बन रही थी ना, वहाँ कुछ सामान वामान गायब हो गए, एक बार देख के आता हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलता हूँ। और अभी सुनो, अभी आपकी 12:30 बजे मैराथन है, 12:30 बजे मैराथन है, और 9:00 बजे आपका टेस्ट है, ठीक है? थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।